दिल्ली का मौसम आज बहुत खराब है। हाँ जयप्रकाश, संडे को हुई थी क्लास या नहीं? नहीं, क्लास संडे को नहीं थी बेटे। विकास सिंह सपोर्ट टीम प्लेयर रिप्लाई क्लास नहीं होगी क्या? बिल्कुल स्टार्ट हो गई क्लास बेटे। आज दिल्ली का मौसम बहुत खराब है, धूल भरी आंधियां चल रही हैं और बारिश आने के तगड़े इंतजाम हैं। तो आप सभी आ गए हैं, विकास सिंह आ गए हैं, जयप्रकाश जी आ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाए थे? पिछली क्लास में जयप्रकाश जी प्रणाम, अमृत राज जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। आज मॉर्निंग क्लास नहीं हुई थी बेटे। जीए विष्णु जीगर, संडे को हुई थी क्लास या नहीं? नहीं, संडे को तो मेरी शेड्यूल नहीं होता बेटा, इसलिए संडे में क्लास नहीं थी। तो एक बार बताएं, पिछली क्लास में कहाँ तक हमने पढ़ा दिए थे? लास्ट क्लास सैटरडे में हुई थी। सैटरडे को हमने आपको कहाँ तक पढ़ाए थे? उन्नीस सौ तेरह तक पढ़ाए थे शायद, 1913 तक। जिसमें जी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इससे आगे आज हम आपको बढ़ाते हैं। देखें, 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और ये 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध ये 28 जुलाई 1914 से 1918 तक चला था और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कई कारण हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में कॉलोनी जीतने की होड़ लग गई। नव औपनिवेशिक राष्ट्र और पुराने औपनिवेशिक राष्ट्रों में कॉलोनीज को लेकर आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी। तो औद्योगिक क्रांति एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा इंडिया में और तमाम कॉजेज हैं, जैसे इंडिया में अंग्रेजों ने अपने कॉलोनी बसा रखा था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अंग्रेजों की कॉलोनी थी, इसलिए इनकी कॉलोनीज छीनने के चक्कर में बाकी औपनिवेशिक राष्ट्र सामने आए। अर्जुन, आज मॉर्निंग में मेरी भी क्लास नहीं थी, आज मैं अभी आया हूं। इवनिंग क्लास थी आज मेरी, मॉर्निंग क्लास नहीं थी। तो चलें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तमाम कॉजेज हैं लेकिन मेन कॉज है इस डेट को, प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। वाज असैसिनेटेड
एट सराजेओ द कैपिटल ऑफ बोस्निया हर्जोगोविना ये पहले विश्व युद्ध का कारण है बेटे। अट्ठाईस जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सराजेओ में हुई। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था ये। ये बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सराजेओ गए। यहां पर सर्बिया के एक विद्यार्थी ने राजकुमार की हत्या कर दी। इस हत्या में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया का हाथ पाया, सर्बिया पे आरोप लगाया। सर्बिया ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक महीने का समय दिया। एक महीने के बाद यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया का फ्रेंड रशिया सर्बिया की मदद के लिए आया, तो इसके खिलाफ ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्रेंड्स भी आ गए। ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ जर्मनी और इटली ने दिया, रशिया का साथ ब्रिटेन फ्रांस ने दिया। तो इस तरह यह वर्ल्ड वार बन गया। तो लड़ाई का कारण कई सारे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद औपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, यह भी कारण है। लेकिन इमीडिएट कॉज 1850 इस लड़ाई का, ये लड़ाई का मुख्य कारण यही है। आप शायद जानते होंगे ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया में दुश्मनी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1872 में सर्बिया को हरा करके बोस्निया हर्जेगोविना उससे छीन लिया था। बोस्निया हर्जेगोविना पहले सर्बिया का पार्ट था, सर्बिया से ऑस्ट्रिया हंगरी ने छीन लिया था। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के बीच दुश्मनी का यही कारण है। तो एक महीने का समय दिया हत्या के बाद। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक महीने का समय दिया। सर्बिया ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया। एक महीने के बाद यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो यही रीजन है इसका। तो आप आगे देखें, लड़ाई स्टार्ट हो गई। इस लड़ाई में एक तरफ ट्रिपल अलायंस, यानी इसको त्रिगुट कहा जाता है, एक तरफ त्रिगुट ट्रिपल अलायंस का मतलब त्रिगुट, और ये त्रिगुट 1882 में बना था। इसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी थे।
एक तरफ त्रिगुट, इस त्रिगुट में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी थे, और बेटे दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट, त्रिदेशीय समझौता। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया था। तो एक तरफ ट्रिपल अलायंस, दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट। ट्रिपल अलायंस से इटली 1915 में बाहर हो गया था बेटे, ये 1915 में इटली आउट हो गया और तुर्की इसमें प्रवेश किया था। 1916 में तुर्की इसमें शामिल हो गया था। में इटली इससे बाहर हो गया। इटली को लगने लगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी हार जाएंगे तो उसकी भी कॉलोनी छिन जाएगी, इसलिए इटली इनसे निकल गया, अलग से इनसे आउट हो गया, और उसका झुकाव ब्रिटेन, फ्रांस की तरफ हो गया। लेकिन तुर्की 1916 में इसमें शामिल हो गया था। तुर्की का सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा 1916 में तुर्की की सत्ता से हटा दिया गया। मुस्तफा कमाल पाशा को टर्की की गद्दी से हटा दिया गया, इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की की गद्दी पर बैठाने के लिए वर्ल्ड वाइड मुसलमानों ने ब्रिटेन का प्रोटेस्ट किया। इंडिया में आगे चलकर 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। तो इधर से भी रशिया 1917 में बाहर हो गया था, और अमेरिका, ये 1915 में अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। तो इधर से इटली निकल गया और यहां से रशिया निकल गया, इधर तुर्की आ गया, यहां अमेरिका आ गया था। अब आप देखिए, रशिया क्यों निकल गया, रूस क्यों निकल गया। रशिया में अक्टूबर में 1917 में दो क्रांतियां हुई, एक फरवरी क्रांति जिसे मार्च क्रांति भी कहते हैं। फरवरी क्रांति के बाद, या मार्च क्रांति 1917 में जो हुआ, उस क्रांति के बाद रूस का जार निकोलस सेकेंड सत्ता से हटा दिया गया, उसकी जगह केरेंस्की को सत्ता में स्थापित किया गया। केरेंस्की ने जार की पावर को कंटिन्यू रखा, इसलिए लेनिन के नेतृत्व में अक्टूबर 1917 में एक और क्रांति हुई, जिसको अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, या फिर इसको नवंबर क्रांति भी कहते हैं। यानी फरवरी क्रांति को मार्च की क्रांति कहते हैं, अक्टूबर क्रांति नवंबर क्रांति भी कहलाती है, क्योंकि रशिया में दो दो कैलेंडर थे। नया कैलेंडर में मार्च था, पुराने कैलेंडर के हिसाब से वो फरवरी था, ऐसे नए कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर था, और पुराने कैलेंडर के हिसाब से, नए कैलेंडर के हिसाब से नवंबर था। तो इस तरह से बेटे अक्टूबर क्रांति 1917 में जार निकोलस सेकेंड के उत्तराधिकारी केरेंस्की को लेनिन के अंडर में हटा दिया गया। रशिया में एक साम्यवादी सरकार आई, यानी रशिया यूएसएसआर बना, जबकि जार निकोलस सेकेंड को फरवरी क्रांति 1917 में हटा दिया गया था। तो अभी थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर देते हैं, लेकिन यहां ध्यान यही देना है कि ये दो गुट थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, त्रिगुट और त्रिदेशीय समझौता। ये वाला गुट हार गया था और ये विजेता रहा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया ने ब्रिटेन का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया ने ब्रिटेन का साथ दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ दिया। इसलिए साथ दिया, ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम इंडिया को स्वायत्तता दे देंगे,
यानी डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसलिए कांग्रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन ने कांग्रेस को इंडिया में स्वायत्तता नहीं दिया, जिसके बाद गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन चलाया था, आगे बताएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप जानते ही हैं ये गुट 1907 में बना था, ये गुट यानी ट्रिपल इंटेंट वाला गुट 1907 में बना, और ये गुट 1882 में बना था। हाँ बेटे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री ही थोड़ा सा ये बता रहे हैं, इंडिया के सिलसिले में है वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत के सिलसिले में है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और दयानंद कुमार जी गुड इवनिंग, सौरभ मिश्रा जी नमस्ते। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री है थोड़ा सा इंडिया के, उसमें जो चल रहा है मैं इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर देता हूँ, डोंट वरी। हम आपको रशिया की क्रांति का थोड़ा बहुत पॉइंट और बता देता हूँ। रशिया में 1905 में खूनी रविवार की घटना हुई थी, यानी ब्लडी संडे ऑफ रशिया, 9 जनवरी 1905 को। दरअसल रूस में ब्लडी संडे की घटना बेहद शर्मसार करने वाली घटना थी। भारत में 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। जलियांवाले बाग हत्याकांड की तुलना रूस के ब्लडी संडे से किया गया है। रूस में ब्लडी संडे 9 जनवरी 1905 को हुआ था, जिसमें रूस के किसान अपने बीबी बच्चों के साथ जार निकोलस सेकेंड के विंटर पैलेस, लेनिनग्राद अब है, पहले सेंट पीटर्सबर्ग भी था, स्टालिनग्राद भी कहलाता है, एक जगह है जहां जार निकोलस सेकेंड रहता था। तो रूस के किसानों के बीबी बच्चे अपने मांग पत्र को जार को देने के लिए उसके विंटर पैलेस पेत्रोग्राद जा रहा था। जार को यह इंटीमेट किया गया, जार को यह खबर दिया गया कि यहां पर किसान विंटर पैलेस पेत्रोग्राद में किसान विद्रोह करने आ रहे हैं। जार ने इन निहत्थे किसानों के बीबी बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, हजारों की संख्या में किसानों के बीबी बच्चे मारे गए थे। तो इस तरह से बेटे 1917 के पहले रूस में ब्लडी संडे की घटना हुई थी, संडे का दिन था इसलिए इसका नाम दे दिया ब्लडी संडे, खूनी रविवार की घटना। अब इस ब्लडी संडे के बाद रशिया में दो प्रमुख क्रांतियां हुई, एक तो फरवरी 1917 में जार निकोलस सेकेंड के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, जार निकोलस सेकेंड रातों रात विंटर पैलेस पेत्रोग्राद छोड़कर भाग खड़ा हुआ, और उसके बाद जार के लोगों ने, रशिया के लोगों ने जार की जगह उसका उत्तराधिकारी केरेंस्की को बना दिया। केरेंस्की जब सत्ता में आया उसने जार के पावर को कंटिन्यू रखा। तब लेनिन के नेतृत्व में, पूरा नाम है व्लादिमीर इत्यानोव लेनिन, एक किसानों का नेता था, एक सोशलिस्ट लीडर था। तो व्लादिमीर इत्यानोव लेनिन के नेतृत्व में 1917 में अक्टूबर की क्रांति हुई, और इस अक्टूबर क्रांति के बाद जारिस्ट पावर यानी केरेंस्की की पावर को हटा दिया गया, रशिया USSR बन गया, रशिया को यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया कहा गया है। तो इस तरह से अक्टूबर क्रांति के बाद जब रशिया में, या रशिया जब USSR बन गया, लेनिन रशिया के राष्ट्रपति बने, तो लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार सत्ता में आई, और 1917 में सोशलिस्ट गवर्नमेंट यानी साम्यवादी सरकार ने जारिस्ट पावर खत्म करके
लेनिन पावर की स्थापना किया और लेनिन ने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार से विड्रॉ कर लिया। तो अगर ये पूछा जाए कि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्यों हटा, तो रीजन यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से रशिया इसीलिए हटा क्योंकि रशिया यूएसएसआर बन गया, रशिया जारिस्ट पावर को समाप्त कर दिया। तो रशिया में दो क्रांतियां, फरवरी क्रांति 1917 में हुई और अक्टूबर क्रांति 1917 में हुआ। फरवरी क्रांति को मार्च की क्रांति भी कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि फरवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार था, मार्च नए कैलेंडर के अनुसार था, जबकि अक्टूबर पुराने कैलेंडर के अनुसार था, नवंबर मंथ नए कैलेंडर के हिसाब से था। तो इस तरह रशिया अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वार से विद्रोह किया था, रीजन यही है। चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप तो जानते ही हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की हार गए थे। हारने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने वर्साय की संधि किया 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्साय की संधि। वर्साय पेरिस में है, पेरिस का एक उपनगर है, सब अर्बन है, पेरिस के सब अर्बन वर्साय में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन एकत्र हुए और यहीं पर जर्मनी के ऊपर तमाम शर्तें थोपने के लिए यह संधि बनाई गई, वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स यानी वर्साय की संधि 1919 में हुई थी। ये संधि जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया, चूंकि जर्मनी युद्ध के लिए जिम्मेदार था, इसलिए जर्मनी पर युद्ध का हर्जाना लगाया गया, माने भारी मुआवजा लिया गया, कंपेंसेशन लिया गया, जर्मनी के नेवी पावर को छीन लिया गया, जर्मनी का नौ शक्ति छीन लिया गया, जर्मनी की सार कोल माइन 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया, जर्मनी के दो प्रांत आल्सेस लॉरेन फ्रांस को दे दिए गए, जर्मनी के सेना को घटाकर 1,00,000 कर दिया गया, जर्मनी पर युद्ध का हर्जाना थोप दिया गया, जर्मनी के डैंजिंग बंदरगाह, डैंजिंग पोर्ट पोलैंड को दे दिया गया। पोलैंड को जर्मनी के बीचों बीच बंदरगाह तक पहुंचने का एक रास्ता दिया गया। तमाम अपमानजनक शर्तें वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी पर थोप दी गई, जिसका रिजल्ट एडोल्फ हिटलर पावर में आया। तो हम आपको बताएंगे, आगे अलग से ही बता देंगे इसको, किसी दिन इसको हम अलग से बता देंगे। अब आप आगे देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और 9 जनवरी महात्मा गांधी रिटर्न्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, 22 वर्षों तक अफ्रीका में बिताएं, नौ जनवरी को विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौट आए। अब आप देखिए, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे ना, गांधी पोरबंदर में यहां पैदा हुए। गांधी के पिता मोहनदास करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे,
यानी महात्मा गांधी के फादर राजकोट के दीवान थे, बड़े पैसे वाले थे। गांधी पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे। कहा जाता है कि गांधी लगभग सभी क्लासेस थर्ड डिवीजन पास किया था, पढ़ने लिखने में उतने अच्छे नहीं थे। बट पिताजी इनके बड़े पैसे वाले थे, पैसा देकर इनको इंग्लैंड भेजकर वकालत करवाया, बैरिस्टर की डिग्री दिलाई, और बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद ये इंडिया आए और इंडिया में इन्होंने राजकोट में वकालत करने लगे। लेकिन इनकी वकालत चली नहीं तो बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट के वहाँ जाने पर इनको गुजरात के एक व्यापारी, अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था, उससे मुलाकात हो गई। अब्दुल्ला का व्यापार दक्षिण अफ्रीका में होता था, अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ मुकदमे थे उसके दक्षिण अफ्रीका में, तो उसी ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका ले जाने के लिए डिसाइड किया। तो महात्मा गांधी 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो इस समय गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन गांधी अफ्रीका में वहां इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, यानी वहां गोरे कालों में बड़ा भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, तो वहां काले लोगों को तमाम अधिकारों से वंचित किया गया था। जैसे रात के 9 बजे के बाद काले लोग मुख्य सड़क से नहीं जा सकते थे, और जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का बॉर्डर भी नहीं क्रॉस कर सकते थे, वोट देने का अधिकार भी नहीं था, तो तमाम बेसिक अधिकारों से वंचित किया गया था। गांधी जब वहां गए तो उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। गांधी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के ट्रेन का टिकट लिया था, लेकिन उसमें सारे अंग्रेज बैठे हुए थे, यही ऐसे थे जो नॉन वाइट थे। उन अंग्रेजों ने गांधी को सेंट पीटर मेरिट्जबर्ग स्टेशन पर उस डिब्बे से उतार कर बाहर फेंक दिया। इनको थर्ड क्लास कंपार्टमेंट के बर्थ के नीचे इन्होंने यात्रा किया था। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी पहुंचे तो इनके साथ एक बड़ा अत्याचार हुआ, कौन से स्टेशन पर इनको ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया था। उस स्टेशन का नाम है सेंट पीटर मेरिट्जबर्ग। सेंट पीटर मेरिट्जबर्ग दक्षिण अफ्रीका में यही स्टेशन था जहां पर गांधी को ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया था। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट था फिर भी, क्योंकि वहां गोरे कालों में इतना भेदभाव चल रहा था, तो गांधी ने डिसाइड किया कि वह यहां पर मुकदमे नहीं लड़ेंगे, बल्कि यहां पर इंडियंस लोगों को, काले लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अधिकार दिलाएंगे। गांधी ने अपनी लाइफ का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया 1906 में, फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी की लाइफ का ये पहला सत्याग्रह था। 1906 में ये सत्याग्रह इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव के खिलाफ चलाया था। इन्होंने जातीय भेदभाव के खिलाफ 1906 में जीवन का पहला सत्याग्रह है गांधी का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह मीनिंग क्या होता है, तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि यदि कारण सही है, आप बुराई से लड़ रहे हैं, तो आपको हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। इफ कॉज इज ट्रू एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एविल्स, नो नीड ऑफ द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। ये एक्चुअल मीनिंग है सत्याग्रह का। दूसरे वे में अगर हम आपको समझाएं तो वो यह भी कह सकते हैं कि अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, यानी उस आदमी से इतना थप्पड़ खाओ कि वह एक दिन थप्पड़ खिला खिला के आपको सुधर जाएगा। मतलब तब तक उससे थप्पड़ खाते रहिए जब तक वो सुधर ना जाए।
तो गांधी का सत्याग्रह का मतलब यही है कि बुराई से आप अगर लड़ रहे हैं तो आप हिंसा न करें, नहीं तो उसमें और आप में क्या अंतर है? जो हिंसा वो कर रहा है, जो पाप वो कर रहा है, उसके साथ वही पाप आप करोगे तो उसमें और आप में क्या अंतर है? इसलिए कहते हैं कि सच्चाई से बुराई के खिलाफ लड़ो, एक न एक दिन बुराई सच्चाई के सामने सरेंडर कर देगा। सत्याग्रह का मीनिंग यही है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक 1913 में एक और सत्याग्रह चलाया था, 1913 में। 1906 में इन्होंने जातीय भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया और गोरे कालों में भेदभाव को दूर करवाया, काले लोगों को तमाम अधिकार वापस दिलाया। लेकिन 1913 में गांधी ने एक और सत्याग्रह चलाया जिसमें यह था कि गांधी ने उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जा नहीं सकता था, तो 1913 में इन्होंने इसका उल्लंघन किया और अपनी पत्नी कस्तूरबा को भी लिवा गए थे। 1902 में पत्नी कस्तूरबा भी वहां चली गई और दोनों ने राज्यों के बॉर्डर का उल्लंघन किया। तो 2-3 सत्याग्रह इनका दक्षिण अफ्रीका में चला है, 2-3 कारणों के लिए चला है, जिसमें एक तो सबसे प्रमुख कारण यही था, जातीय भेदभाव। गांधी ने बिल्कुल 1906 में गांधी ने टॉलस्टॉय हाउस बनाया और गांधी ने फिनिक्स हाउस भी बनाया था जनता की सेवा के लिए। टॉलस्टॉय हाउस, टॉलस्टॉय हाउस और फिनिक्स हाउस दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने स्थापित किया था। लियो टॉलस्टॉय के नाम पर टॉलस्टॉय हाउस है, लियो टॉलस्टॉय। ये रशिया के थे, इन्होंने किताब बड़ी फेमस लिखा है, वार एंड पीस। ये किताब लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है, बड़ी फेमस किताब है लियो टॉलस्टॉय की, युद्ध और शांति बुक से गांधी ने अहिंसा वाली पॉलिसी लिया बेटे। तो दक्षिण अफ्रीका में पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्होंने लियो टॉलस्टॉय के नाम पर टॉलस्टॉय हाउस बनाया और फिनिक्स हाउस बनाया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी 9 जनवरी 1915 को लौटे। आप जानते हैं 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है, जिस दिन गांधी इंडिया लौट के आए, यानी 9 जनवरी को, ये अब एनआरआई डे होता है, अप्रवासी भारतीय दिवस इस रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये एनआरआई डे 2003 में स्टार्ट किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो गांधी 22 वर्ष अफ्रीका में बिताया और अफ्रीका के लोगों के अधिकार को दिलाया, इंडिया में लौट के आए। 1915 में गांधी ने इंडिया में डिसाइड किया कि वह इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वह इंडिया में सोशल वर्क का काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे। इसलिए गांधी ने इंडिया में आने के बाद 1916 में साबरमती आश्रम का गठन किया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गुजरात में, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया था। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि वह क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो गांधी द्वारा स्थापित किया गया 1916 में साबरमती आश्रम, ये गांधी ने इसे गुजरात में स्थापित किया था, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वर्क के लिए स्थापित किया था इन्होंने। और गांधी ने वैसे अफ्रीका में जो सोशल वर्क का काम किया था उससे ज्यादा बेहतर काम इंडिया में करना चाहते थे,
इन्होंने हर तबके के लोगों को उत्थान के लिए काम किया है। वैसे गांधी जी के अलावा इंडिया में 28 अप्रैल को 1916 में बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था। अब आप देखिए, होम रूल शब्द एनी बेसेंट इंडिया लाई थी, इसका मतलब स्वराज से ही है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की जगह होम रूल की मांग किया, जबकि होम रूल शब्द एनी बेसेंट आयरलैंड से इंडिया लाई थी। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी बेटे, आयरलैंड से इंडिया आई, पहले इंडियन इनमें विश्वास नहीं किए, यह सोचा कि शायद ये अंग्रेजन हैं, आयरलैंड की हैं, अंग्रेजों के वेलफेयर में काम करेंगी। बाद में इन्होंने कहा, एनी बेसेंट ने कहा कि मैं भी तुम में से एक हूं। होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड में चला था 1921 में, नॉर्थ आयरलैंड फ्री हो गया था, यानी होम रूल लीग आयरलैंड में चल रहा था, उसी शब्द को इंडिया में एनी बेसेंट लाई। और लेकिन इसमें अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना इंडिया में किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया, पुणे में किया था, जैसा कि प्रश्न कई दफा पूछा गया है। और एक बात यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक पहले स्वराज की मांग करते थे, अब स्वराज की जगह होम रूल की मांग करने लगे, यानी स्वराज इतना ज़्यादा डिफेम हो गया था कि स्वराज से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी घबराने लगी थी। जब भी तिलक स्वराज बोलते थे, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को घबराहट होती थी, तो वे चाहते थे कि कोई ऐसा शब्द इसके स्थान पर ले लिया जाए जिससे कि ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा प्रभावी हो, जो घिसा पिटा ना हो, तो होम रूल शब्द इनको पसंद आया। बाद में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया, दोनों होम रूल लीग मिल करके फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे थे। तो एनी बेसेंट ने बनाया था 15 सितंबर 1916 को, एनी बेसेंट फाउंडेड इनदर होम रूल लीग एट अडयार मद्रास में। दो दो होम रूल लीग बनी है, एनी बेसेंट ने अडयार में बनाया, मद्रास के अडयार में एनी बेसेंट ने बनाया। इन दोनों में से ज्यादा फेमस एनी बेसेंट का है, क्योंकि होम रूल शब्द यही लाई और इनके अंडर में ज्यादा पॉपुलर किया था। तिलक का उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन पहले तिलक ने बनाया, बाद में एनी बेसेंट ने बनाया। दोनों होम रूल लीग साथ साथ चली। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में, यही ऐसे आंदोलन थे जो चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस अपना आंदोलन बंद कर दिया था, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ दिया था। मुस्लिम लीग भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ दिया था, इसलिए दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ रह करके, यानी दोनों होम रूल लीग एक साथ रह करके फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय लड़ाई लड़ते रहे थे। तो आगे हम बढ़ाते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए, दिसंबर 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन
इस अधिवेशन की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ये अधिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे दल एक मंच पे आ गए, यानी नरम दल गरम दल एक हो गए। नरम दल गरम दल एक मंच पे आ गए। और इस अधिवेशन में मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए। मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था, मुस्लिम लीग आल्सो टुक पार्ट। लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया और दोनों होम रूल लीग भी इसमें भाग ली थी, बोथ द होम रूल लीग्स। ये दोनों होम रूल लीग्स ने इसमें भाग लिया था, यानी कुल मिला के सारे दल एक मंच पे आ गए थे। विकास कुमार मिथरवाल, आपका आंसर क्या दूं? आप इस प्रश्न इस टॉपिक से दूसरा आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो हमने करा रहा हूं विकास कुमार, आप उस टॉपिक के बाहर प्रश्न पूछ रहे हैं। तराइन का दूसरा और तीसरा युद्ध कब हुआ था ये पूछ रहे हैं, जबकि हम आपको इस समय के बारे में बता रहे हैं। तो इससे विकास कुमार जी टॉपिक गड़बड़ा जाता है। और वैसे तराइन के पहले तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में हुआ था। अभी ऐसे सवाल ना पूछें, बीच में डिस्टरबेंस होता है। पहली लड़ाई तराइन की इस साल हुई, दूसरी लड़ाई 1192 में हुई, तराइन की तीसरी लड़ाई 1216 में हुई। तो ये तीन लड़ाइयां हुई हैं तराइन की। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान, ने मोहम्मद गोरी को हराया। दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन की तीसरी लड़ाई में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन एल्दौज को हराया। तो इस तरह से तीन लड़ाइयां हुई हैं। लेकिन यहां टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं इनको प्रश्नों को बताता नहीं हूं। टॉपिक चल रहा है ये लखनऊ अधिवेशन, आपने तराइन की लड़ाई पूछ लिया। तराइन की लड़ाई दिल्ली सल्तनत की लड़ाई है कि आगे आएगा ये। तो इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लखनऊ अधिवेशन की तरफ आपको ले चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेहद इंपॉर्टेंट सेशन था लखनऊ सेशन। और हमारे एक फाजिल दोस्त ने लिखा कि लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष आरसी मजूमदार थे,
गलत लिखा है बेटे आपने, आरसी मजूमदार नहीं होंगे, एसी मजूमदार होंगे। आरसी मजूमदार तो हिस्टोरियन थे, आरसी मजूमदार ने प्राचीन इतिहास की किताब लिखा है, तो वो वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता एसी मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, आरसी मजूमदार नहीं होंगे इसके। अब हमारा प्रश्न आपसे है, आप सभी लोग हमारे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए, ध्यान से प्रश्न सुनिए, बड़ा आसान है। पहला प्रश्न ये है कि किसके प्रयास के बाद नरम दल गरम दल एक मंच पे आ गए? दूसरा, किसके प्रयास के बाद मुस्लिम लीग ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया? बताएं आंसर। विकास भी बताएं, जयप्रकाश बताइए, और भी जो बंधु हमारे हैं लाइन पे सभी लोग बताएं जल्दी से। दयानंद कुमार शर्मा का आंसर आ गया, एनी बेसेंट भारत क्यों आई? अरे ये आंसर नहीं है। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं गांधी जी। जयप्रकाश कुमार कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। किसको एकत्र किए एनी बेसेंट के प्रयास से क्या हुआ? मेरा दो प्रश्न है, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। आप गांधी जी किसके लिए बता रहे हैं और किसके लिए एनी बेसेंट को बता रहे हैं? गांधी ने किसको एक मंच पर क्या किया, किसको इकट्ठा किया? एनी बेसेंट ने किसको एक किया? अरविंद कुमार मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग है ये, गुड इवनिंग। दयानंद कुमार, एनी बेसेंट के प्रयास से क्या हुआ? विकास सिंह कह रहे हैं एनी बेसेंट के प्रयास से क्या हुआ? भाई विकास सिंह, क्लास के टाइम अलर्ट नेट टॉपिक का क्वेश्चन नहीं लीजिए सर। अब बच्चे नहीं लेते हैं तो कमेंट देते हैं बेटे, इसलिए लेना पड़ता है। मैं तो चाहता हूं कि जिस टॉपिक पर क्वेश्चन चले उसी पर ठीक रहे। नरम दल और गरम दल एनी बेसेंट है, ठीक है जयप्रकाश, बहुत सही। एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल गरम दल एक मंच पे आ गए, ये आंसर सही है। तो एनी बेसेंट और दूसरा कौन सा है? दूसरा गांधी के प्रयास से, बिल्कुल। अरविंद कुमार कह रहे हैं गांधी के प्रयास से मुस्लिम लीग, बिल्कुल ये भी आंसर सही है। गांधी के प्रयास से मुस्लिम लीग कांग्रेस मंच को शेयर किया। आप जानते हैं मुस्लिम लीग 1906 में बनी और 1906 से लेकर 1916 के बीच में मुस्लिम लीग कांग्रेस में बनी नहीं। एनी बेसेंट ने नरम दल को एक किया, ठीक है। विकास सिंह कह रहे हैं, जयप्रकाश कुमार कह रहे हैं मुस्लिम लीग बाल गंगाधर तिलक, मुस्लिम लीग को बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग को महात्मा गांधी ने एक किया। महात्मा गांधी ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया और उनको कांग्रेस मंच पर इनवाइट किया। तो कुल मिला के सारे दल, सभी पॉलिटिकल पार्टी लखनऊ में एक मंच पे आ गए, और एक मंच पर आने के पश्चात मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लखनऊ समझौता किया। सर वर्ल्ड हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी? वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से नहीं स्टार्ट होगी, बता देंगे कुछ चीजें हमने, कुछ टॉपिक पर पढ़ा देंगे। चलें आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए लखनऊ समझौता इसी समय हुआ था, दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। लखनऊ समझौता इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अब देखिए लखनऊ समझौते में यही डिसाइड हुआ कि आगे जितनी भी लड़ाई हम लड़ेंगे एक होके लड़ेंगे,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने आगे की लड़ाइयां कंबाइन करने की बात कही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई का नारा बापू ने ही दिया। सर उप से यूपीएससी के लिए न्यू बैच होगा आपका? बिल्कुल होगा, यूपीएससी का नया बैच आएगा, उसमें मेंस लेवल का चलाएंगे और प्री और मेंस दोनों लेवल चलेगा उसमें, इससे बड़ा लेवल होगा। तो इस तरह से 1916 में लखनऊ समझौता बेहद इंपॉर्टेंट था। मुस्लिम लीग अभी तक कांग्रेस के साथ नहीं काम किया, यहां से मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आ गई। गांधी भी लखनऊ सेशन में आए थे। अब आप देखिए, गांधी से मिलने बिहार के चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ला ये लखनऊ आया और गांधी से लखनऊ में मुलाकात किया। बिहार के चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई कि किस प्रकार किसानों पर ब्रिटिश प्लांटर, यूरोपियन प्लांटर, यूरोपीय बागान मालिक अत्याचार कर रहे हैं। यानी यूरोपियन बागान मालिक इंडिया के बंगाल और बिहार वाले भाग में नील की खेती करवाते थे, किसानों को कुछ एडवांस पेमेंट दे देते थे और बाउंडेशन पर साइन करवा लेते थे। बाउंडेशन पत्र पर साइन होने के बाद किसान अपने खेत में वही फसल उगाता था जो उसको आवश्यकता होती थी। यानी जैसे मान ले ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो आवश्यकता थी वही फसल उगाता था। इस तरह से गांधी से राजकुमार शुक्ला ने सारी दुर्दशा किसानों की बताई। गांधी किसानों से मिलने के लिए लखनऊ से ही चंपारण चले गए और चंपारण में ये किसानों से मुलाकात करने से पहले मधुबनी पहुंचे हैं। तो वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधी से कहा कि आप वापस चले जाओ यहां से। गांधी न जाने के लिए ठान लिया, कहा जब तक वो किसानों की हकीकत नहीं जानेंगे तब तक वो यहां से नहीं लौटेंगे। गांधी ने किसानों से पूछताछ किया, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उपाय सुझाया, कहा कि आप लोग केवल अपने हिसाब से फसल उगाएं, बाउंडेशन फार्म को फाड़ के फेंक दीजिए, यूरोपियन बागान मालिकों के कहने पर फसल ना उगाएं। इस तरह से गांधी ने किसानों को कहा, किसान गांधी की बात माने और गांधी ने अपना इंडिया में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह चला दिया। तो गांधी लखनऊ में राजकुमार शुक्ला से मिले थे, चंपारण के किसान गांधी और राजकुमार शुक्ला। ये गांधी से लखनऊ में मुलाकात किए थे और इन्होंने ही चंपारण के किसानों की दुर्दशा गांधी को बताई। तब गांधी ने डिसाइड किया कि वह चंपारण जाएंगे और गांधी ने इसके बाद वहां जाकर के एक सत्याग्रह चलाया, इंडिया का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। तो इस तरह से 1917 में गांधी का इंडिया में चंपारण सत्याग्रह। अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती के खिलाफ था ये। तो गांधी का इंडिया में पहला सत्याग्रह, 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह गांधी ने स्टार्ट किया और गांधी इसमें सफल हुए। गांधी का साथ किसानों ने दिया, किसानों ने वही फसल उगाया जो उनको चाहिए, यूरोपियन प्लांटर के द्वारा साइन किए हुए बाउंडेशन वाले फसल को उगाया ही नहीं। इस सफलता के बाद गांधी के पास तमाम जगहों से किसानों के ऑफर आने लगे। खेड़ा के किसान गांधी से मिले, खेड़ा गुजरात में, वहां पर फसल फेल हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगान माफ नहीं किया। किसान गांधी से मुलाकात किए, गांधी ने खेड़ा के किसानों को आश्वासन दिया कि वह सत्याग्रह चलाएंगे। तो गांधी का इंडिया में दूसरा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा सत्याग्रह।
ये गुजरात में अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड टैक्स रिवेन्यू, ब्रिटिश लगान के खिलाफ गांधी का दूसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह, और इसी समय अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी गांधी को अप्रोच किया, क्योंकि मजदूरों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा अत्याचार कर रही थी, मजदूरों का अधिकार नहीं दे रही थी, मजदूरों को संघ बनाने का अधिकार नहीं था, मजदूरों को सप्ताह में हॉलीडे नहीं दिया जाता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, या काम के समय अगर उनका कोई अंग कट जाए तो उसके लिए मुआवजा नहीं मिलता था, समय काम का समय फिक्स नहीं किया गया था, 18-18 घंटे तक काम लिया जाता था, वेजेस कम दिया जाता था, तो तमाम बातें थी। मजदूर किसान मजदूर इनके गांधी के पास आए और गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल मिल स्ट्राइक करवा दिया। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अगर पूछा जाए तो अगेंस्ट मिल ओनर्स, मिल मालिकों के खिलाफ था, ये मिल मजदूरों की भलाई के लिए था, तो यह मिल मालिकों के खिलाफ था, मिल मालिकों के खिलाफ था, मिल मजदूरों की भलाई के लिए था। इसमें गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, फर्स्ट टाइम इसी समय गांधी ने हंगर स्ट्राइक किया था। जीवन का पहला भूख हड़ताल अगर पूछा जाए तो इसी समय फर्स्ट भूख हड़ताल गांधी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय में किया था। तो ये तीन बैक टू बैक सत्याग्रह चलाए गए, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह सफल हुए तो खेड़ा के किसान इनसे अप्रोच किए, खेड़ा के किसानों के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ा, कुछ परसेंट लगान माफ करवाया। बाद में अहमदाबाद के मजदूरों के लिए मिल मालिकों के खिलाफ पहली बार भूख हड़ताल किया था गांधी ने। और वैसे एक बात और इम्पोर्टेंट है, गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों को वे सारे अधिकार दिलवा दिए जो अधिकार वर्तमान में मजदूरों को दिया जाता है, मिल मजदूरों को, यानी कुल मिला के मजदूरों को एसोसिएशन बनाने का अधिकार मिल गया, सबसे बड़ी जीत थी ये, यानी उनको अपना एसोसिएशन बनाकर अपना यूनियन का नेता भी चुनने का अधिकार मिल गया, जिससे कि मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई यूनियन का नेता लड़ सके। तो इस तरह से गांधी का ये प्रयास मजदूरों के हित में बड़ा फायदेमंद रहा और मजदूरों का शोषण बिल्कुल समाप्त हो गया। हला एकदम से तो समाप्त नहीं हुआ होगा, कुछ समय लगा होगा, लेकिन गांधी के इस स्ट्राइक में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे प्रोमिसेस किए, तब जाके गांधी ने भूख हड़ताल तोड़ा था। एक बात और यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है, मिल ओनर्स ज्यादातर इंडियन थे, अहमदाबाद में कॉटन मिल ओनर सबसे ज्यादा इंडियन थे, तो बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इंडियन मिल ओनर के खिलाफ था, अंग्रेज मिल ओनर्स इसमें ना के बराबर थे, बहुत कम लोग थे। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं 1918 में, ये सारी बातें रवि शुक्ला जी कह रहे हैं सर एनटीपीसी स्पेशल आर्ट एंड कल्चर के लिए और कुछ स्पेशल स्टैटिक जीके के भी क्लास ले लीजिए। बेटा उसमें हमारा पूरा क्वेश्चन टाइप का सेटिंग है, एनटीपीसी में एमसीक्यू करा रहे हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी में। अमृत राज कह रहे हैं सर जो लोग टॉपिक से अलग प्रश्न पूछ रहे हैं उनके लिए लास्ट का 10 मिनट डाउट पूछने के लिए दीजिए, नहीं तो बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाता है और पढ़ने का भी फ्लो बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही,
अमृत राज जी बहुत सही है आपका सजेशन, बाकी बच्चे सुन रहे हैं अगर इसको फॉलो करो तो करें तो बहुत बढ़िया है। हमें भी फ्लो बीच में रुक जाता है पढ़ाने में, आपको बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, वो फ्लो नहीं रहता है, इसलिए बीच बीच में जो कमेंट देते हैं वो कमेंट जो है अगर लास्ट में पूछ लो, लास्ट के 10 मिनट में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका फ्लो बना रहेगा पढ़ने का, हमारा पढ़ाने का फ्लो अच्छा बना रहेगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ाते हैं आपको, अगर आपको पता हो तो बताइए। एक प्रश्न आपसे है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, किस अधिवेशन में बनी थी? हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इन विच सेशन शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट? कौन थी और किस अधिवेशन में महिला अध्यक्ष पहली बनी, बताएं जल्दी से। अमृत राज, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास के बाद नरम दल गरम दल एक हो गए और मुस्लिम लीग भी एक साथ हुई, बिल्कुल ठीक है। बाल गंगाधर नहीं बेटे, एनी बेसेंट। अमृत राज दी, बाल गंगाधर तिलक का प्रयास नहीं ठीक था, एनी बेसेंट का प्रयास था। विकास सिंह का आंसर आया एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है, विक्कू एनी बेसेंट। अर्जुन कुमार सरोजनी नायडू बता रहे हैं। जयप्रकाश एनी बेसेंट 1917 कोलकाता में, बिल्कुल सही है, सबसे सही जयप्रकाश ने बताया है। और एनी बेसेंट ठीक है, विक्कू 1917 में, अमृत राज और एनी बेसेंट, सौरभ मिश्रा कह रहे हैं एनी बेसेंट, सब सही है, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। लेकिन दिसंबर 1917 में INC सेशन ये कलकत्ता में हुआ था, तो ये आंसर सही है। फर्स्ट लेडी INC प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, लेकिन इंडियन महिला नहीं है ये आयरलैंड की महिला थी। अरविंद कुमार कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह किए थे सर बापू, बिल्कुल, गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही था, 1906 में था, गोरे और कालों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए था। संदीप एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। तो एनी बेसेंट याद रखें फर्स्ट लेडी INC प्रेसिडेंट हैं। जयप्रकाश अगला आंसर क्वेश्चन आंसर पूछ लिए हैं, दे दिए आंसर। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर सेशन में बनी थी, बिल्कुल जयप्रकाश सही है, लेकिन फर्स्ट लेडी पूछा जाए तो एनी बेसेंट लगेगी, फर्स्ट इंडियन लेडी पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू को लगाएं। आयरलैंड की एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फर्स्ट इंडियन लेडी अगर कहा जाए, फर्स्ट इंडियन लेडी INC प्रेसिडेंट ये पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हैं। ट्वेंटी में कानपुर सेशन में बनी थी पहली भारतीय महिला INC प्रेसिडेंट। ये हैं और बिल्कुल कानपुर सेशन में बनी थी, 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको बनाया गया था। इन्हें भारत कोकिला भी कहा गया है, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि देशभक्ति की कविता रचती थी, वैसे ही आंध्र प्रदेश की थी,
और इनको फर्स्ट लेडी गवर्नर बनाया गया था, प्रथम महिला राज्यपाल भी थी ये, फर्स्ट लेडी गवर्नर इंडिया में यही है, फर्स्ट लेडी गवर्नर इंडिया में उत्तर प्रदेश में बनी थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, भारत कोकिला कहा गया है, देशभक्ति की कविता रचती थी। और वैसे इनका एक काम और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1931-32 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी के साथ लंदन गई थी भाग लेने, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में भाग लेने महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू गई थी, और कोई नहीं था, सरला बेन, मीरा बेन, जेबी कृपलानी, ये सब नहीं, केवल यही महिला थी जो 1931-32 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी के साथ भाग लेने गई थी। तो इस तरह से सरोजिनी नायडू आंध्र प्रदेश की थी, तेलुगु की कवित्री भी थी, देशभक्ति की कविता रचती थी। आपने शायद सुना होगा एक और लेडी, फ्लोरेंस नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल इटली की थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार में घायल शहीदों का रात रात में लैंप लेकर इलाज करती थी, मरहम पट्टी करती थी, उन्हें लेडी विद द लैंप कहा गया है। सरोजिनी नायडू को फ्लोरेंस नाइटिंगल, यानी इनको नाइटिंगल ऑफ इंडिया कहा गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगल इटली को इनको लेडी विद द लैंप कहा गया है। खैर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये महिला अध्यक्ष हैं। एक पॉइंट और बताइए, आप सभी के लिए एक प्रश्न और है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द यंगेस्ट? हाँ, जयप्रकाश, लेडी विद द लैंप इनको कहा गया है, लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप, ये फ्लोरेंस नाइटिंगल को कहा गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ये इटली की थी, नर्स थी ये, इनको लेडी विद द लैंप कहा गया है। तो मेरा अगला प्रश्न जो था आपके लिए, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? यंगेस्ट, INC प्रेसिडेंट, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष। जयप्रकाश जी बता रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जयप्रकाश जी सॉरी, ठीक है, और प्रयास करें। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, अरे वाह, वेरी गुड, जयप्रकाश आपने सही आंसर बताया, अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद किस वर्ष बने थे? ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। जब ये बने तो इनकी एज क्या थी, कहां पर बनाए गए, किस सेशन में, और इनकी एज क्या थी? जयप्रकाश जयप्रकाश बढ़िया आंसर दिए हैं आप, अबुल कलाम आजाद बिल्कुल सही है। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और जिस समय ये कांग्रेस अध्यक्ष बने इनकी एज क्या थी? बताइए, मैं 18 साल नहीं, गलत है, 18 ईयर्स नहीं, खैर एज नहीं पूछा जाएगा, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष यही थे और ये 1923 में बने थे।
दिल्ली स्टेशन में बने थे, दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष 1923 में बनाए गए थे और 25 साल के थे ये, 25 इयर्स एज थी, तो यंगेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष यही है। अब आप आगे हम चलते हैं आपको लेके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और यहां आप देखिए 1918 ये कानून पारित किया गया था, रौलट एक्ट के बारे में आपको बताते हैं। रौलट कानून, इसे काला कानून कहा गया है, ब्लैक एक्ट कहा गया इसको। ...1939 में अबुल कलाम आजाद को बनाया गया, एज 15 या 16 थी। अमृतराज सर चंपारण सत्याग्रह में तीन घटिया नीति होता था ना, तीन कठिया है, तीन घटिया नहीं बेटा, अमृतराज तीन कठिया सिस्टम है, तीन कठिया सिस्टम, तीन कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना पड़ता था, तीन घटिया नहीं है। चंपारण सत्याग्रह में नहीं था बल्कि नील की खेती, नील की खेती में तीन कठिया सिस्टम, तीन कट्ठे जमीन पर यानी 1/20 भाग पर, लगभग 1/20 भाग पर नील उगाना पड़ता था। तीन कट्ठा जमीन, कट्ठा जमीन माप की एक यूनिटी है, तो तीन कठिया सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आप इसको देखिए, रौलट कानून को ब्लैक एक्ट कहा गया है। रौलट कानून को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया और रौलट कानून पारित होने के बाद इसको इंडिया में 19 मार्च 1919 को पंजाब में लगाया गया। अब आप देखिए रौलट एक्ट है क्या। रौलट एक्ट में कुछ प्रावधान बनाए गए, ना तो लोग इसमें ग्रुप में चल सकते थे, ना ही कोई मीटिंग बुला सकते थे, चार लोगों से ज्यादा की संख्या में ग्रुप में चलने की परमिशन नहीं थी। इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर थीं, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने योजना बनाई कि इंडिया में एक ऐसा कानून लाएं जो मिलिट्री के अंडर में शासन हो और मिलिट्री सूट एट साइट का आदेश दे दिया जाए, मीटिंग बुलाने की परमिशन ना दिया जाए, लोगों को गैदरिंग होने की परमिशन ना दिया जाए। इंडिया में कुछ स्टेट थे जहां पर आक्रामक गतिविधियां चल रही थीं, जैसे पंजाब उसमें से सबसे प्रमुख राज्य था। तो इस तरह से रौलट कानून पारित किया गया 1918 में, यानी इसको पास किया गया बेटे, यानी पारित किया गया इस साल में। अगर इसके अंडर में कोई विरोध किया या कोई प्रोटेस्ट में आया, इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट किया, पकड़े जाने पर उसके लिए कहा जाता था नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं, यही था इसमें। तो इस तरह से ये लागू किया, 19 मार्च को लगाया गया 1919 में, रौलट एक्ट वाज इम्पोस्ड इन पंजाब। रौलट एक्ट 1919 को 19 मार्च में पंजाब में लागू किया गया। इसके लागू होने के बाद इसका विरोध किया सत्यपाल मलिक। और सैफुद्दीन किचलू ने प्रोटेस्ट किया था। ये दोनों नेताओं ने
रौलट एक्ट लागू होने पर जयप्रकाश ठीक बता रहे हैं, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील को किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। नो अपील, नो वकील, नो दलील। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसको लागू किया तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनके खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं स्वीकार किया गया। इस तरह से अपने दो नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पंजाब के नेताओं ने जलियांवाले बाग में मीटिंग बुलाया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, तो ये डेट था, सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल का दिन 1919 में, बैसाखी का दिन था, छुट्टी का दिन था, बड़ी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाले बाग में अपने दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुए। जलियांवाला बाग अमृतसर में तीन तरफ से ऊंची ऊंची इमारतें, एक साइड में केवल एक गेट था आने जाने के लिए। भारी संख्या में लोग इस गेट से बाग में प्रवेश किए और इनके मीटिंग्स चल रहे थे। उसी समय जनरल ओडायर अपनी कंपनी के साथ उस एकमात्र एग्जिट गेट से प्रवेश किया, बिना वार्न किए 360 राउंड गोलियां चलवाया। निहत्थे लोगों पर 360 राउंड गोलियां चलवाने का मतलब हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और हजारों की संख्या में भगदड़ में मर गए। बहुत से लोग कुएं में गिर गए थे जिससे मर गए। तो इस तरह से जनरल ओडायर इस हत्या के लिए जिम्मेदार था। जनरल ओडायर ये उस समय मिलिट्री जनरल पंजाब में, जनरल ओडायर को पावर दे दिया गया था इसलिए जनरल ओडायर भी नाम कमाना चाहता था। उसने यह कांड करके सोचा कि वह बड़ा पॉपुलरिटी गेन करेगा, इसलिए उसने यह कांड करवाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल ओडायर को रातों रात इंडिया से इंग्लैंड भेज दिया कि कहीं इंडियन क्रांतिकारी जनरल ओडायर की हत्या न कर दें। लेकिन आपको बताएं, एक क्रांतिकारी 1940 में जिसका नाम उधम सिंह था, लंदन गया, कहते हैं कि उसने जनरल माइकल ओडायर की हत्या करके इस घटना का बदला लिया था। पर याद रखें, जनरल माइकल ओडायर 1940 में लंदन में इसकी हत्या उधम सिंह ने किया था। पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह लंदन गए, इससे दोस्ती बढ़ाया, मौका पाया, कोर्ट से निकलते वक्त इसको बंदूक से शूट कर दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। लेकिन याद रखें, अंग्रेज कहते हैं कि जनरल माइकल ओडायर ये वो जनरल नहीं है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। इनका कहना है कि जनरल ओडायर, ये वाला जनरल ओडायर तो ब्लड कैंसर से ऑलरेडी मर गया था। उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर की हत्या करके उसी नाम के दूसरे जनरल को मार दिया है। हाँ, जयप्रकाश यही बता रहे हैं, ये वो नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। अंग्रेजों का यही कहना है कि जो जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, उस जनरल, वह जनरल तो ब्लड कैंसर से ऑलरेडी मर गया था। उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर की हत्या किया, उसी नाम का ये दूसरा जनरल था जिसे उधम सिंह ने मारा। तो जो भी है, कहा जाता है कि इन्होंने बदला लिया। तो इस तरह से उधम सिंह लंदन में इसको मारा। लेकिन बड़ा विवादित पॉइंट है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ गांधी ने अपनी टाइटल लौटा दिया था, गांधी सरेंडर्ड।
गांधी ने ये उपाधि लौटा दिया, केसरे हिंद की उपाधि। गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया और आर एन टैगोर ने नाइटहुड का खिताब लौटा दिया, या इसको सर भी कहते हैं। तो इस तरह से गांधी ने ये टाइटल लौटाया, इन्होंने ये टाइटल लौटाया एसपी सिन्हा और शंकर नायर। इन्होंने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में एसपी सिन्हा शंकरन नायर ने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। जयप्रकाश दोनों ऑप्शन देकर सही कौन सा होगा? दूसरा वाला जनरल माइकल ओडायर। तो जनरल ये जलियांवाले बाग हत्याकांड के खिलाफ इन्होंने अपना टाइटल लौटा दिया, इन दोनों ने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया और इस तरह से इन्होंने विरोध जताया जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नवंबर 1919 में हंटर रिपोर्ट आई, हंटर रिपोर्ट में इंडियन को आरोपी बनाया गया कि इंडियन इस हत्याकांड के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बाकी याद रखें जनरल ओडायर की हत्या किया गया, अभी कौन सा जनरल है ये विवादित पॉइंट है, बट जनरल माइकल ओडायर की हत्या किया था लंदन में जाके। जनरल ओडायर को कहते हैं ब्लड कैंसर से ऑलरेडी मर गया था। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।